नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर वक्त बहुत ही अच्छे होंगे। हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का आप इंतजार कर रहे होंगे, तो एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो एच ग्रो क्लासेस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस बार जो इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं वो CGPDTM यानी कि पेटेंट ऑफिसर की जो वैकेंसी जुलाई 2023 में निकल कर आई थी, जिसका एग्जामिनेशन सितंबर में होने वाला था, उसका एग्जाम पोस्टपोन हो गया था, किसी कारण से डिले हो गया था। अब यहां पर उसकी एग्जाम डेट की घोषणा कर दी गई है। आइए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो वीडियो को जितना उसका शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और एच गुड क्लास से यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इसी प्रकार की सारी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए, 11 दिसंबर को यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और एग्जाम जो है उसमें कितने दिन का गैप है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो एग्जामिनर ऑफ पेटेंट डिजाइन यानी कि पेटेंट ऑफिसर की जो वैकेंसी थी, लगभग 553 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी भैया। जुलाई के आसपास फॉर्म भरे थे और सितंबर में एग्जाम होने वाला था। क्लियर हो गया? ये NTA की वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। कहां से प्राप्त करना है, आप NTA.ac.in पे जाइएगा, यहां पर आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। या फिर आप सीधे सीधे जाइए, गूगल पे जाइए, CGPDTM आप सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद में आपको इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। सर्च करने के बाद में ये आपको ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इस पर क्लिक करते आपका ये नोटिफिकेशन आपका डायरेक्ट सीधा ही खुल जाएगा, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये आपका एग्जामिनेशन 553 वैकेंसी के बारे में था। क्लियर हो गया? एग्जाम किस प्रकार से कंडक्ट होंगे, नई सूचना यहां पर मिल जाती है। तो प्री एग्जाम जो है वो CBT एग्जाम के रूप में होगा, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। जबकि मेन का एग्जाम है उसमें पेपर 1 पेपर 2 जो रहेगा, पहला जो पेपर रहेगा वो CBT में होगा। हो सकता है यहाँ पर पहले ऑफलाइन कंडीशन में था, अब CBT कंडीशन में आ गया है, और मेन जो सेकंड पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव है, इस वजह से वो ऑफलाइन मोड में रहेगा। लगभग 14 डिफरेंट डिसिप्लिन में होगा। क्लियर हो गया? और इंटरव्यू जो रहेगा वो भी ऑफलाइन मोड में ही रहेगा, ये आगे का प्रोसेस है। अब जानकारी लेते हैं कि भैया एग्जाम डेट क्या इन्होंने यहाँ पर दी है। ध्यान रखना, 11 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया है। क्लियर है? और एग्जाम डेट की बात करें तो भैया कंडक्ट ऑफ प्री मेरिट यानी कि प्री एग्जामिनेशन 21 दिसंबर 2023, 11 दिसंबर से 21 दिसंबर यानी कि लगभग 9 से 10 दिन का गैप आपका यहां पर आ रहा है। तो 10 दिन के गैप में आपका एग्जाम होने वाला है। अगर सूचना मिल गई है तो भैया तैयारी करना शुरू कर देना। हालांकि तैयारी इनके अनुसार, इनको लगता है कि भाई हमने तो फॉर्म जुलाई में भरवाए थे और सितंबर में एग्जाम घोषणा कर दी, तो बच्चों को तैयारी कर ही ली होगी, तो तैयारी आप कर ही रहे होंगे वैसे भी, है ना। तो भैया यहां पर एक चीज और यहां पर देख लेना, 2-3 चीजें और है, क्लियर कर देता हूं, है ना। तो वीडियो को आराम से देखते रहिएगा। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो जिस शहर में रहने वाला है वो 12 से 13 दिसंबर के बीच में आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो वो भी आप सर्च कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड, 21 दिसंबर का एग्जाम है, तो एग्जाम से लगभग 3 से 4 दिन पहले ही आपका जो भी एग्जाम का तारीख, वैसे 21 दिसंबर लिखा है पर ये टेंटेटिव कंडीशन में जा सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो 3 से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। क्लियर हो गया? डिस्प्ले जो भी आपको क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 26-27 दिसंबर के आसपास हो जाएगा, और रिजल्ट जो है वो लगभग जनवरी की फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ये प्री एग्जाम का शेड्यूल है। अब मेन एग्जाम कहां है, तो मेन एग्जाम के गणित में आपको सीधी आपको समझा देता हूं भैया। अच्छा, 2 चीजें और क्लियर कर देते, उसके बाद मेन एग्जाम की बात कर लेंगे हम। यहां पर यह आपका जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है, ये निकालने के लिए 12 और 13 दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो ये वेबसाइट लिंक आपको दिया हुआ है, यहां पर क्लिक करके आप अपने एग्जाम सेंटर का जो शहर है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अपने जो ईमेल एड्रेस वगैरह है, SMS मोबाइल वगैरह जो भी है वो अपडेट रखना, क्योंकि जो भी जानकारी आएगी, द कैंडिडेट्स आर ऑल्सो बींग इन्फॉर्म्ड थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड या SMS के द्वारा ही उनको जानकारी मिलेगी। तो अपडेट रहना, ध्यान रख लेना, मोबाइल वगैरह बंद मत कर लेना, फिर भी कोई क्यूरी अगर रह जाती है तो यहां पर इन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, और या फिर मेल एड्रेस पे भी आप फर्दर जो भी क्लेरिफिकेशन चाहिए वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अब बात करेंगे प्री का, आपका शेड्यूल आ गया है तो तैयारी में लग जाइएगा, जो भी चल रहेगी थोड़ी फास्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेन एग्जाम कब होगा, तो मेन एग्जाम की कंडीशन अगर अपन रखते हैं तो भैया पुराना जो शेड्यूल इनका था, कैलेंडर था, प्री एग्जाम की बात करें तो 3 सितंबर को था। कब था भैया? 3 सितंबर को। और जो आपका मेन एग्जाम था, अगर मेन एग्जाम की बात करें ये आ गया मेन एग्जाम 1 अक्टूबर और ये 3 सितंबर, है ना। क्लियर हो गया? प्री और मेन एग्जाम के बीच में मतलब 1 महीना गैप आ रहा था। तो अगर अभी भी अगर अपन देखें तो अभी 21 दिसंबर को दिया है, तो 1 महीना गैप लगा लो भैया, 20 जनवरी या 21 जनवरी के आसपास आपका मेन एग्जाम पॉसिबली हो सकता है, कंडक्ट हो सकता है। क्लियर हो गया है? तो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को रेडी रखिएगा।
सारी चीजें आपको बता दी है, फिर भी कोई क्यूरी बचे तो आप कमेंट बॉक्स में आपसे पूछ सकते हैं, है ना। अब सीरियस सी बात यह है कि बच्चे फिर पूछेंगे सर लास्ट टाइम पे कुछ कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करा दीजिए। भाई हम एच ग्रुप क्लासेस पे अभी फिलहाल पेटेंट ऑफिसर यानी कि जो एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन जो यहाँ पर वैकेंसी है इसकी तैयारी हम फिलहाल नहीं करा रहे हैं, है ना। तो तैयारी किन की कराते हैं भैया, तो हम इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। एच ग्रुप क्लासेस पीजीटी एग्जाम्स, सारे पीजीटी एग्जाम्स है और नेट और गेट केमिस्ट्री की हम यहाँ पर तैयारी करवाते हैं। सारे कोर्सेज लिखे हुए देख लेना, आराम से वीडियो को पॉज करके देखिएगा। किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले अगर आप इनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपका टारगेट एग्जाम अगर इनसे मैच होता है और वो एच कोड क्लास में उपलब्ध है तो भैया मोस्ट वेलकम, आ जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप कोर्स को चेक जरूर कर लेना, उसका ट्रायल जरूर ले लेना। अगर आप आरपीएस लेते हैं तो आरपीएस का ट्रायल ले लीजिएगा, है ना। अगर आप नेट लेना चाह रहे हैं तो नेट का ट्रायल ले लीजिएगा। गेट एग्जाम में टारगेट आपको तो गेट का ट्रायल ले लेना भैया, सीधी सीधी बात है, है ना। तो ट्रायल लेकर जरूर देखें, ट्रायल की वैलिडिटी 5 दिन रहेगी। कूपन कोड आप अप्लाई कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ट्रायल ज्वाइन करने से आपको ये पता लग जाएगा कि किस कोर्स की क्या कंडीशन है, किस कोर्स में कितना कंटेंट है, कितना जोरदार कंटेंट है, क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबिलिटी आपकी आपको दिख जाएगी। उसके बाद जब संतुष्टि मिले तब आराम से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी पीसीजी पीडीटीएम का एग्जाम आपका 21 दिसंबर को है तो उसकी तैयारी में लगे और एग्जाम को अच्छा करके आइएगा। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एच ग्रुप क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे, सारी जानकारी मिल जाएगी, कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क करें, आपकी सारी समस्या का समाधान हम करेंगे, लेकिन रिलेटेड टू केमिस्ट्री ओनली, केमिस्ट्री से रिलेटेड ही समस्या होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।